नाइस। 3 महीने के बाद बाइक पे कर्जत के बाहर निकला हूँ। ये रोड 3 महीने के बाद दिख रहा हूँ मैं। घर से मार्केट, मार्केट से घर करके पक गया था। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बारिश गायब। एवढा नालायक पाऊस है ना। कल रात से मैंने स्क्रिप्ट करके रखा था, एकदम सोच के रखा था कि कैसे इस व्लॉग का ओपनिंग शॉट लेना है, मस्त 360 शॉट लेना है। एन वक्त पे बारिश आ गई और हार्डली 1 किलोमीटर आया हूँ घर से, बारिश गायब। सिर्फ वो शॉट खराब करने के लिए आई थी। लास्ट में घर से बाहर निकला था, मतलब कर्जत से बाहर निकला था 18 मार्च को और आज है 11 जून। गिना था मैंने कल 86 डेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद कर्जत से बाहर निकलने वाला हूँ। बहुत पका दिया है यार ये कोरोना ने। मॉनसून 2020 की पहली राइड। और बाय द वे, इस व्लॉग में आपको अगले 4 महीने का पूरा प्लान पता चल जाएगा कि पूरे मॉनसून में हम क्या करने वाले हैं, आपको काउंटिंग किलोमीटर्स में पूरे मॉनसून में क्या क्या देखने वाला है। बहुत ही यूनिक और ऑफबीट प्लेसेस का प्लान है इस साल का, और स्पेशली आफ्टर COVID-19 किस तरह से ये सब प्लान अप होने वाला है, किस तरह से पूरा सीजन स्पेंड करने वाले हैं, सब आपको पता चलेगा। सो ये व्लॉग देखिए पूरा। अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो शायद इस व्लॉग को देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करने की इच्छा हो जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेसेस आने वाले हैं। देखिए पूरा व्लॉग और बताइए बाद में कैसा लगता है पूरा प्लान इस सीज़न का, और आपके कुछ सजेशंस है कोई और अगर प्लेस आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो। बरसात अभी चालू भी नहीं हुई और रोड की हालत देखो, पूरे 4 महीने में क्या होने वाला है यहाँ पे। लद्दाख इन कर्जत, आई फील सो नाइस। 3 महीने के बाद बाइक पे कर्जत के बाहर निकला हूँ। ये रोड 3 महीने के बाद दिख रहा हूँ मैं। घर से मार्केट, मार्केट से घर करके पक गया था। वेल, ये कोरोना वायरस, साइक्लोन सब करने के बाद फाइनली आज घर से बाहर निकला हूँ। 11 जून 2020 टुडेज डेट। देखते हैं आगे आगे क्या होता है आज के दिन में। अभी फिलहाल बाइक के टायर्स की हालत इतनी खराब है ना, या ऐसे टर्न्स देखने के बाद एक्साइटेड नहीं, डर लगने लगता है। कॉर्नरिंग का तो सोच भी नहीं सकते, संभाल के जाना पड़ता है इसके ऊपर से। वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग हैं अपनों को देखने के लिए। बच्चन साहब है, भाईजान है, पता नहीं और क्या, वो बादशाह डॉन क्या बोलते हैं उनको। फिर इधर माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। तो कॉर्नरिंग करके हाई स्पीड में निकल जाने से अच्छा है धीरे धीरे चल के सबको देखते हुए निकलते हैं। और इन सबको देखने के बाद उधर सामने शिवजी भी है। वैसे मैंने पूछा नहीं है आपको ये वाला कैमरा एंगल कैसा लग रहा है। ये इंस्टा 360 को हैंडल बार पे ऐसे माउंट किया हुआ है। सो अगर अच्छा लग रहा है तो ये वाला एंगल ज़्यादा यूज़ करेंगे व्लॉग्स में। एंड फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स आई एम टचिंग अ नेशनल हाईवे। कर्जत की बाउंड्रीज से बाहर, घर की चारदीवारी से भी बाहर, एंड दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 4 ओल्ड। अपने को जाना है पनवेल, अपना प्रवास सुखाचा हो नक्कीच होईल। इतक्या दिवसांनी प्रवास करतोय, सुखाचाच होणार।
ओके सो पनवेल तो पहुंच गए हैं। ये नीचे उतर के सिग्नल विग्नल से जाने से अच्छा है आगे वाला सिग्नल लेके यू टर्न मारेंगे। Here we go, we are almost there at CG Bajaj. अभी पहले काम करते हैं, बाइक दे देते हैं सर्विसिंग के लिए, उनको समझा देते हैं सब क्या क्या करना है, सो दैट एक तरफ बाइक का काम होता रहेगा और एक तरफ हम अपने प्लान के बारे में बातें करते रहेंगे, दोनों काम साथ साथ चलेंगे। ओके सो द सिचुएशन हियर इज दैट उन्होंने सर्विसिंग तो चालू किया है बट कस्टमर्स को अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। आपको गेट के बाहर ही जॉब कार्ड बना के गाड़ी उनके हाथ में देनी है और बाहर ही वेट करना है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि कर्जत से आया हूँ तो बाहर इतनी देर कहाँ खड़ा रहूँगा, घर जाके वापस आने का भी तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि कर्जत पनवेल बसेस भी बंद है। तो उन्होंने एक कोने में मुझे बैठने के लिए जगह दी है, बट ये सेड कि यहीं पर बैठो और कहीं भी घूमने को आपको परमिशन नहीं है, वेटिंग लॉज तो बंद है। एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, सोफ़ा का एक कोना मुझे खुला करके दिया है, स्टिल बेटर देन नथिंग। सो इस मानसून में 2020 के अगले 3 महीनों में, मतलब जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 4 महीनों में 3 बड़े ट्रिप्स के प्लान है। फर्स्ट इज़ जो अपना वेस्टर्न घाट है, मतलब जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को कोंकण से कनेक्ट करता है, उसमें जो घाट सेक्शंस है उसका थ्रिल आपको दिखाना है। तो जो भी मेजर घाट कनेक्शंस है, जैसे वरंदा घाट है, महाबलेश्वर कोल्हापुर वाला है, फिर गगन बावड़ा जो वन ऑफ द टफेस्ट घाट्स इन महाराष्ट्र है, ये सारे घाट्स आपको एक ट्रिप में एक सर्किट रूट में देखने मिलेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट राइड। अभी इसका पूरा डिटेल और सर्किट रूट कैसे होगा, डे टू डे प्लान कैसे होगा, ये तो सब मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आपको वो राइड देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो राइड प्लान है। दूसरा है इंटरस्टेट राइड होगा कर्नाटका में, आई बी गोइंग कर्नाटका के मेजर वाटरफॉल्स जैसे मागोर फॉल्स, फिर उंचाली फॉल्स, गोकाक फॉल्स एंड इफ पॉसिबल दूधसागर, फिर याना केव्स और गोकर्ण मुरुडेश्वर, ये सब प्लेसेस एक राइड में कवर करने का प्लान है। तो वो एक प्लान इस मानसून में करने वाला हूँ। और तीसरा है जिसमें राजगढ़ और तोरणा दो फोर्ट्स के ट्रैक होंगे, और एक प्लेस है राइलिंग प्लेट्यू जो लिंगाना फोर्ट के एक्जैक्टली सामने है, और उसके साथ ही मड़ेघाट वाटरफॉल्स, ये 3-4 प्लेसेस एक ट्रिप में कवर करेंगे। ये 3 मल्टी डे बड़े ट्रिप्स इस मानसून के लिए प्लान्ड है। और उसके अलावा छोटे छोटे ट्रैक्स और वाटरफॉल्स, बेसिकली लास्ट ईयर मानसून मेनिया 2019 जो हमने सीरीज़ बनाया था, इफ़ यू हैव नॉट सीन द लेक इज़ ओवर हियर, तो उस सीरीज़ में मुंबई के आसपास के ऐसे प्लेसेस दिखाए थे जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इस साल कुछ ऐसे प्लेसेस दिखाएंगे जो फेमस है ऑलरेडी बट वो अपने नज़रिए से दिखाएंगे। जैसे प्लान कर रहा हूँ कि इस साल राजमाची फोर्ट का ब्लॉग बनेगा, देन अंधारबन ट्रैक जो है उसका ब्लॉग बनेगा, उसी के साथ साथ देवकुंड वाटरफॉल का ब्लॉग बनेगा। तो ये ऐसे 4-5 प्लेसेस है दिमाग में जो फेमस है, पिछले साल जो दिखाए थे जो फेमस नहीं थे, जो हमने एकदम ढूंढ ढूंढ के खोज के निकाले थे, और इस साल वो दिखाएंगे जो फेमस है लेकिन कुछ अलग नज़रिए से, अपने नज़रिए से दिखाएंगे। सो ये छोटे छोटे कुछ प्लान्स और 3 बड़े प्लान्स जैसे मैंने आपको बताया। तीनों बड़े प्लान्स के बारे में और भी बात करेंगे, मैं थोड़ा और डिटेल इसके बारे में दूंगा कि ये कैसे एक्चुअली मैं प्लान करने वाला हूँ और कब करने वाला हूँ। डेट्स भी आई विल बी अनाउंसिंग इन दिस ब्लॉग ओनली, सो स्टे ट्यून्ड। बाइक के साथ क्या चल रहा है वो तो नज़र डालने का चांस नहीं है क्योंकि वेटिंग लॉन्च में भी जाने नहीं दे रहे, तो एक्चुअल फ्लोर पे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। सेड की चुपचाप बैठो जहाँ पे जगह दी है, नहीं तो बाहर निकलो। मैं ऐसा नहीं बोला लेकिन समझ गया मैं उनको क्या कहना था। बट दैट्स वन गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग। मेरे पीछे डोमिनार 250 खड़ी है जो लेटेस्ट लॉन्च है 2020 का बजाज का। सो दे हैव अलाउड मी टू डू अ साइड बाई साइड कंपेरिजन ब्लॉग फॉर डोमिनार 250 एंड डोमिनार 400। तो आज अपना सर्विसिंग ख़त्म होने के बाद मैं वो ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते आपको वो भी ब्लॉग देखने मिलेगा। सो इट विल बी टेस्ट राइड वाला बाइक तो नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले का बाइक है तो चलानी नहीं मिलेगा, लेकिन साइड बाई साइड खड़ा करके एक्चुअल उसके फ्रेम साइज़ में, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है 250 और 400 में, डोमिनार वर्सेज डोमिनार, आई एम नॉट सेइंग 250 डोमिनार वर्सेज सम अदर 250 सीसीज, बट
डोमिनार 250 लेना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल के डोमिनार 400 लेना चाहिए, इस बारे में हम उस ब्लॉग में बात करेंगे। सो वो ब्लॉग भी देखिए, जल्दी आएगा। एनीवेज, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस प्लान्स फॉर दिस मॉनसून। तो सबसे पहला जो प्लान मैंने बताया, तो जो सब घाट्स का वो प्लान मैंने बनाया है 26 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। सो 26 जुलाई मॉर्निंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम होम और 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हम वापस आएंगे। देन दूसरा जो प्लान है कर्नाटका वाला, वो प्लान बनाया है 28 अगस्त से, मतलब गणेश विसर्जन होगा उसके दूसरे दिन हम निकलेंगे, 7 से 8 दिन का वो प्लान रहेगा। और तीसरा जो है राजगढ़ तोरणा और लिंगाना वाला, वो वाला प्लान सितंबर एंड में रहेगा। और ट्रेक्स जो भी है, अंधारबंद का ट्रेक सितंबर के मिड में कहीं पे होगा, और राजमाची और ये सब जो फेमस वाले ट्रेक्स है जो मुंबई के आसपास वाले, वो सब जुलाई के फर्स्ट हाफ में होंगे। जून के अभी 2-3 हफ्ते बाकी है, लेकिन इसमें मैं ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ। देर आर 3-4 रीज़न्स एक्चुअली। एक तो अभी अभी लॉकडाउन खुलना चालू हुआ है, पता नहीं है कि लोकल्स किस तरह से टूरिज़्म को एक्सेप्ट करेंगे, तो थोड़ा अभी शुरू में रिस्क लेना सही नहीं लग रहा है, दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंडली, बाय द एंड ऑफ जुलाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब होटल्स वगैरह चालू हो जाएंगे, तो मल्टी डे जो भी ट्रिप्स करने हैं वो अभी फ़िलहाल प्लान करना सही नहीं है, तो वो जुलाई एंड के आगे ही रख रहा हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा अपना ड्रोन बुक हो चुका है, तो आई एम वेटिंग फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू कमेंस सो दैट दुबई से मुंबई वाला फ्लाइट आ जाए, उसमें मेरी बहन आ जाए और मेरा ड्रोन हाथ में आ जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 जुलाई के आसपास वो आ जाएगी, 1 जुलाई से दुबई का एयरपोर्ट खुल रहा है, तो उसके आने के बाद, ड्रोन हाथ में आने के बाद ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स और सब प्लान करेंगे। वेल, मानसून के प्लान्स के बारे में तो ये सब हो गया, अभी इतने जो राइड्स प्लान है ये सब एज़ पर द प्लान हुए, तो अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत से अच्छे अच्छे प्लेसेस, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस देखने मिलेंगे। तो अगले 3-4 महीने एक्शन पैक रहने वाले हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा। तो ये सब रहा इस राइड प्लान के बारे में, लेकिन आज का सारा खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक बाइक का सर्विसिंग हो रहा है, इसके बाद टायर्स देखने हैं, अगर टायर्स नए मिलते हैं तो वो डालने हैं, हेलमेट का ग्लास नया लेना है। तो आज के दिन के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है, ये व्लॉग अभी बहुत सा बाकी है, तो अभी छोड़ के मत जाइए, एंड तक देखिए, क्योंकि छोटे छोटे कुछ ना कुछ ज्ञान के डोसेस आते रहेंगे, देखते रहिए। सो इट टुक अराउंड 3 आवर्स फॉर द एंटायर सर्विसिंग वर्क। बहुत कुछ लंबा चौड़ा बिल दिया है हाथ में, 3,400 समथिंग रुपीज़ का। इंजन ऑयल चेंज हुआ है, कूलेंट लेवल, दोनों डिस्क पैड्स, फिर और क्या किया है उसने, या साइड स्टैंड चेंज करा है मैंने, जो बेंड हो गया था जिसकी वजह से लद्दाख में 2 बार गिरी थी गाड़ी, साइड स्टैंड चेंज हो गया है, स्पीडोमीटर चालू हो गया है फिर से, इंजन चेक लाइट जो ऑन था उसको चेक हो चुका है। सो ऑल इन ऑल इट सीम्स ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड। अभी चलाऊंगा तब पता चलेगा, लेट्स गेट ऑन द रोड, तभी पता चलेगा कि काम कैसे हुआ है। 3 महीने के आराम के बाद फिर से बाइक अभी कंडीशन में आने का थोड़ा खुशी होती है, चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। अपने साथ हर बार वही होता है, सुबह घर से निकल रहा था बारिश, अभी यहाँ से सर्विस सेंटर से निकल रहा था फिर से बारिश। 4 घंटे में यहाँ पे अंदर बैठा हूँ, 4 घंटे में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, जैसे निकल रहा था बारिश चालू हो गई। तो एनीवेज, अभी ज़्यादा दूर जाना नहीं है, क्योंकि यही पे कहीं उसने बोला कि टायर्स के शॉप है समवेयर ऑन दैट साइड, लेकिन मुझे तो सब बंद दिख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। चलो एक काम नहीं हुआ लेकिन दूसरा तो हो गया, यहाँ पे महा ऑटो व्हील्स में हेलमेट का वाइजर मिल गया नया, और ओरिजिनल इसी ब्रांड का एग्जॉस्ट स्टील का विथ एंटी फॉग। तो कितना था उधर का, 3,400 कुछ तो अमाउंट था, उसमें ऐड करो 1,270, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 टच हो चुका है आज के दिन का खर्चा। और अभी और एक टायर का शॉप इसने बताया है जो ढूंढना है, लेट्स सी। वैसे जो मुंबई के आसपास के फेमस ट्रैक्स की मैं बात कर रहा था ना, जो इस साल करने हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ, उसमें से 3 ट्रैक्स अभी फ़िलहाल मेरे सामने हैं, मतलब आपको इस 360 कैमरा में मैं एक साथ दिखा सकता हूँ। ये लेफ्ट साइड में है, जो दूर वहाँ पे दिख रहा है वो है कलावंतीन, एग्जैक्टली मेरे सामने है इर्शाड़गढ़, और मेरे राइट साइड में किधर गया,
इट्स बैक देयर, ये बिल्डिंग्स के पीछे वहाँ पे है करनाला। तो ये तीन फेमस ट्रैक्स है मुंबई के आसपास के, लेकिन कलावंतीन और करनाला इस साल करने का मूड नहीं है। इर्शालगढ़ शायद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किया नहीं है कभी, बाकी दो कर चुका हूँ तो मानसून में करने का, स्पेशली वीकेंड पे करने का तो बिल्कुल मूड नहीं है। इर्शाल का चांस लग सकता है इस मानसून में, सो यस, राजमाची वगैरह के साथ साथ इर्शाल भी शायद हो सकता है। वैसे पनवेल से तो मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ। टायर की स्टोरी ये हुई कि एज आई सेड कहीं पर भी 150 सेक्शन का टायर तो नहीं मिल पाया, 140 70 17 मुझे मिल गया सीएट का क्रॉसप्लाई में, लेकिन उसका कंपेनियन फ्रंट टायर था नहीं। और अभी फ़िलहाल रेयर टायर तो ऐसी हालत में था कि और बिल्कुल भी आगे चला नहीं सकता था, तो मैंने सीएट का रेयर टायर डाल दिया है। फ्रंट जो है राल्को स्पीड ब्लास्टर, वही अभी थोड़े दिन और चलाऊंगा, देखेंगे तब तक अगर नया मिलेगा उस साइज़ में तो ले लेंगे। सो रेयर टायर का 2800 ऐड करो, टोटल आज के दिन का खर्चा हुआ अपना ऑलमोस्ट 7,500। सो आई एम गेटिंग रेडी टू अनलॉक, और ये COVID-19 का बाइक का खर्चा बना 7,500 का। हे भगवान, शौक बड़ी चीज़ है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, सिर्फ फ्रंट टायर ही नहीं मिला, बाकी सब जितने काम प्लान किए थे सब हो गए। अच्छा लग रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि मॉनसून सीजन में बहुत सी नई प्लेसेस, बहुत से नए एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे अपना ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए कंटेंट के साथ घर से ही, क्योंकि अभी तक अपना ड्रोन आया नहीं है, तो बाहर में ड्रोन के बिना तो जाने वाला नहीं हो। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भले लॉकडाउन खुल गया हो, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। और इसके बाद जो हम हमेशा कहते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।